महात्मा गांधी ने कहा था, हमारी धरती के पास प्रत्येक व्यक्ति की आवश्यकता के लिए बहुत कुछ है, पर किसी के लालच के लिए कुछ नहीं। सतत विकास लक्ष्य 12वीं गांधी के बातों को रेखांकित करता है। 12वें लक्ष्य में साफ तौर पर घोषित किया गया है कि जिम्मेदारी के साथ उपभोग और उत्पादन किया जाए। उत्पादन आर्थिक गतिविधियों का प्रमुख हिस्सा है। जब उत्पादन बढ़ता है तो देश में GDP, रोजगार, आय, बाजार, बैंक और देश की सरकार को फायदा पहुंचता है। भारत में मुख्य रूप से कृषि और उद्योग उत्पादन प्रक्रिया के दो क्षेत्र हैं। हर साल अनाज उत्पादन का करीब 1/3 भाग बर्बाद हो जाता है। अनाजों का परिवहन और गोदाम या खुले में रखने के कारण भी इसकी बहुत बर्बादी होती है। पानी संकट का भी ताजा आंकड़ा भयावह है। यानी आधा फीसद पानी ही मानव गतिविधियों के आसपास उपलब्ध है। एक तरफ सीमित संसाधन और दूसरी तरफ संसाधनों की घोर बर्बादी, इससे भारत जैसा विशाल जनसंख्या वाला देश बेहद परेशान है। जबकि हम सबकी खाद्यान्न जरूरतों को पूरा नहीं कर पा रहे हैं। फिर भी रोटी का सवाल बना हुआ है। विश्व के सामने जल का भी संकट गंभीर है। मानव प्रजाति जल के किनारे ही जन्मी और सुसंस्कृत हुई। कहते हैं ना, जल ही जीवन है, और जल संकट के इस दौर में सामुदायिक स्तर पर प्रयास करके ही मानव प्रजाति को जल उपलब्ध कराया जा सकता है। ऊर्जा को ना पैदा किया जा सकता है ना नष्ट, उसको एक रूप से दूसरे रूप में बदलकर उपयोग किया जाता है। भारत जैसे उपमहाद्वीप को साल के 9 महीने सूर्यताप मिलता है। तीनों ओर से समुद्र से घिरा हुआ और साल में कई मौसमी पवनें भी चलती हैं। यह सब ऊर्जा के अथाह स्रोत है। भारत जैसा विशालकाय देश ऊर्जा की कमी से जूझ रहा है और कोयला व पेट्रोलियम के सीमित भंडार से अपनी ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने का प्रयास करता रहा है। परंतु हाल के सालों में भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों को सोलर पावर से पूरा करने की ओर बढ़ा है। पवन ऊर्जा में भारत दुनिया का 4वां देश बन गया। आज दुनिया में उपभोक्तावादी प्रवृत्ति को समूल नाश करने की आवश्यकता है। देश और दुनिया के बाजारों को अब मांग बढ़ाने और पूर्ति बढ़ाने के खेल से बाहर निकलना होगा। इनको व्यक्ति की सीमित आवश्यकताओं की पूर्ति करने का एक जरिया बनना होगा। तभी एक जिम्मेवार व्यवस्था की ओर दुनिया बढ़ेगी। इसके लिए सबसे पहले एक व्यक्ति की सोच को बदलना भी बहुत जरूरी है। व्यक्ति को संसाधनों की कीमत और जीवन के लिए इसकी जरूरत को समझना होगा। सरकार की नीतियों और संसाधनों के संरक्षण को ध्यान में रखते हुए ही SDG के 12वें लक्ष्य को पूरा किया जा सकता है।